नमस्ते, मैं रजत हूं और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। टेक्सास का ह्यूस्टन शहर 22 सितंबर को यहां एक बड़ा जलसा हुआ। जलसे का नाम रखा गया था हाउडी मोदी। नरेंद्र मोदी अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर हैं। यहां ह्यूस्टन में भारतीय मूल के लोगों के साथ एक मुलाकात नुमा रैली हुई उनकी। अगले साल होने जा रहे हैं अमेरिका के अंदर चुनाव राष्ट्रपति के लिए। डोनाल्ड ट्रंप दूसरा कार्यकाल हासिल करने की कोशिश में है। हर वोट मायने रखता है। अमेरिका में 40 लाख के करीब भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। ये बड़ा एंगल था जिसकी वजह से इवेंट में डोमिनेटिंग रोल मोदी का था। वो एंडोर्समेंट कर रहे थे ट्रंप का। ये ट्रंप का टेक अवे रहा। भारत के लिए क्या हाईलाइट रहा, भारत के लिए इस हासिल पूरा क्या रहा इस इवेंट का, वो हम यहाँ पे जानेंगे। ये इवेंट इंडिया के लिए हाई पॉइंट साबित हुआ। आर्टिकल 370 को बेअसर करना और उसके बाद से कश्मीर में लागू प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे लेकर लगातार बातें हो रही हैं। भारतीय डिप्लोमेसी अब तक इस फ्रंट पर कामयाब रही। रूस, फ्रांस जैसे ज्यादातर बड़े देशों ने भारत का सपोर्ट किया। पाकिस्तान लगातार इस मुद्दे पर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। पिछले दिनों यूएन के भी एक एक्सपर्ट ग्रुप ने मानवाधिकार को लेकर कश्मीर मसला उठाया था। ट्रंप के स्तर पर मिक्स्ड बातें आईं, कभी हाँ कभी ना टाइप। वो कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की बात दोहरा चुके हैं, भारत के साफ इनकार के बाद भी। ऐसे में ह्यूस्टन की ये रैली भारत के लिए अहम रही। आर्टिकल 370 क्यों हटाया, ये एक्सप्लेन करते हुए मोदी ने अपने कारण गिनाए। आतंकवाद को मिलने वाली मदद का जिक्र किया। इससे ना केवल आर्टिकल 370 हटाने बल्कि कश्मीर में लगाए गए प्रतिबंधों पर भी भारत के स्टैंड को जस्टिफाई कर दिया। प्रतीकों की भाषा में देखें तो इस इवेंट में मोदी का यह सब कहना उनकी बड़ी कामयाबी है। मोदी ने आर्टिकल 370 से जुड़ी दो बातें कही। नंबर एक, इस अनुच्छेद की वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों को विकास का फायदा नहीं मिल पा रहा था। वो बराबरी के अधिकार से छूट जा रहे थे। आतंकवाद और आतंक को बढ़ावा देने वाली ताकतें मौके का फायदा उठा रही थी। नंबर दो बात जो उन्होंने कही उसमें था, आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग विकास से वंचित हैं। आतंकवादी और अलगाववादी तत्व हालात का गलत फायदा उठा रहे थे। अब जम्मू कश्मीर के लोगों के पास समान अधिकार हैं। इस इवेंट में पाकिस्तान का जिक्र भी आया। पाकिस्तान के लिए क्या कहा वो भी जान लीजिए। ट्रंप के साथ मंच शेयर करते हुए मोदी ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को वार्निंग दी। सीमा पार से होने वाली घुसपैठ पर इमरान खान को घेरा। मोदी ने तीन अहम बातें कहीं। पहली बात, अपनी सीमा में किए गए भारत के फैसले से कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। ऐसे लोग जिनसे अपना देश संभल नहीं रहा, इन लोगों ने भारत से अपनी नफरत को अपने राजनीतिक एजेंडे का केंद्र बनाया। पूरी दुनिया उन्हें अच्छी तरह से पहचानती है। आतंक को स्पॉन्सर करना उनकी पहचान है। दूसरी बात, पाकिस्तान आतंकवाद का ब्रीडिंग ग्राउंड है। चाहे अमेरिका में हुआ 9/11 का हमला हो या मुंबई पर हुआ 26/11 का अटैक, इन हमलों की साजिश रचने वाले उसी मुल्क में मिले। तीसरी बात जो उन्होंने कही उसमें कहा कि आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वालों के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई का समय आ गया है। पाकिस्तान के लिहाज से कैसा रहा ये इवेंट ये भी जान लीजिए। पाकिस्तान और उसके प्रधानमंत्री इमरान खान कश्मीर पर मदद के लिए ट्रंप से उम्मीद कर रहे थे, खास तौर पर इसलिए कि अफगानिस्तान में तालिबान के साथ शांति वार्ता चल रही थी। तालिबान के साथ बातचीत में पाकिस्तान बड़ा प्लेयर है क्योंकि तालिबान उसकी सुनता है या यूं कहें कि सुन सकता है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के बिना कोई हल नहीं निकल सकता। ट्रंप के लिए इस वार्ता का कामयाब होना जरूरी था। उन्होंने अफगानिस्तान से अमरीकी सैनिकों को वापस निकाल लाने का वायदा किया था। वो चुनाव से पहले तालिबान से डील करना चाहते थे मगर ये बातचीत अब टूट चुकी है। आगे ट्रंप की अफगान पॉलिसी क्या रहती है ये पता नहीं, मगर वो अमेरिका को वहां से निकालना जरूर चाहेंगे। ऐसे में उनको पाकिस्तान की जरूरत रहेगी, यही पाकिस्तान का बार्गेनिंग पॉइंट है। मगर ट्रंप की इस तरह मोदी के साथ स्टेज शेयर करना पाकिस्तान को जरूर निराश करेगा, भले ट्रंप ने इसे अपने चुनावी फायदे के लिहाज से क्यों ना किया हो। एक और बात जो पाकिस्तान को परेशान करेगी वो है ट्रंप के साथ खड़े मोदी का आर्टिकल 370 हटाने को मंच से वैलिडेट कर देना। बहरहाल पीएम मोदी 27 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर हैं। वो संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली के सत्र में भी शरीक होंगे। 24 सितंबर को न्यूयॉर्क में दोबारा उनकी ट्रंप से मुलाकात भी होनी है, द्विपक्षीय वार्ता होगी। उन्हें आतंकवाद और हिंसक चरमपंथ पर सामरिक रिस्पॉन्स को लेकर जॉर्डन के राजा, फ्रेंच राष्ट्रपति और न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करनी है। ये मोदी के अमेरिका दौरे से जुड़ी हुई अपडेट थी हाउडी मोदी के इवेंट के बारे में। इसमें भारत का हासिल क्या रहा और इसमें पाकिस्तान के हाथ
क्या लगा, ये उससे जुड़ी अपडेट थी। मोदी की अभी 27 तारीख को वो अमेरिका के दौरे में गए हुए हैं और वहां पर वो यूएन की जनरल असेंबली को भी अपडेट करेंगे। दी ललन टॉप इस पूरे मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं। आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए dlalantop.com। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहां फॉलो कर सकते हैं। और हमसे जुड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका है दी ललन टॉप की एंड्रॉयड ऐप, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। शुक्रिया।